लेकिन किसी को भी अब देखो कमाल की बात सर, सतीश कुमार जिला अध्यक्ष जी ने अनिल जी से कहा कि मैं वो चुनाव में जिला पंचायत में 4.5 लाख रुपए लेकर आना जिसे। मैंने कहा झूठ, ये मेरे से 1 लाख रुपए लेके गया और 1 लाख रुपए ही मैं कहूँगा, चाहे मेरे कटवा रही हो, चाहे मुझे कुछ भी, या ये अपने बच्चों को कसम खा के थे कि 4.5 ले गया। बस सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसमें जो भी से जो मेन आदमी बीच का जो मेन आदमी हो उनसे भी आप बात करो, पूछो भाई कि ऐसा क्यों, मतलब जो भी जिम्मेदार आदमी हो भाई नहीं होगा फिर हमको फिर सर मैं इनसे, और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया, मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी था। आप परेशान मत होइए, उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूं कहते हैं कि बस फिर इस जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में डेली का हेड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग प्लेग भाई सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक, कैसा होगा बताएंगे। हाँ सम्मानित मीडिया बंधु, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं लगातार 24 वर्ष से बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही बन के, कार्यकर्ता बन के काम कर रहा हूँ और भिन्न भिन्न पदों पर रहा हूँ। माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर मुझे चरथावल विधानसभा का प्रभारी प्रत्याशी मनोनीत किया था पश्चिम प्रभारी शमसुद्दीन नाइन ने। चरथावल में प्रॉपर चरथावल में एक कार्यक्रम रखा गया था 2018 में 18 दिसंबर को मेरी घोषणा हुई थी, मुझे प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया गया था। तो उसके बाद में लगातार मैं चौथा वर्ष चल रहा है काम कर रहा हूँ, रात दिन विधानसभा में अपना काम कर रहा हूँ, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब मैं महीनों से लगातार राइन जी से संपर्क बनाए हुए है कि मैं राइन जी को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन राइन जी मेरे फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। उसके बाद में माननीय अध्यक्ष जिला अध्यक्ष सतीश कुमार जी से मैंने बात करी, लेकिन सतीश जी ने मुझे कहा कि मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि बात करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आज हद तब हो गई जब कल मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय मुजफ्फरनगर पर गया और जिलाध्यक्ष सतीश कुमार ने मुझसे कहा कि तुम 50 लाख रुपए का और इंतजाम कर लो। मैंने कहा अध्यक्ष जी मैं अभी कोई पेड़ पे पैसे नहीं लग रहे कि तोड़ के आपको दे दूंगा, मैं जाके अपनी माता जी से घर पे परिवार से मशवरा करके आपको बताऊंगा। मैंने वहां से आने के बाद में माता जी से मशवरा किया, माता जी ने कहा भाई हमारे पास अभी इतना वो नहीं है, लेकिन अगर तुझे चुनाव लड़ना है और तू इतनी मेहनत कर रहा है कोई बात नहीं, तू कोई प्रॉपर्टी एक सेल आउट कर दे, बेच दे और दे दे उनको पैसा, अभी फिलहाल 25 लाख रुपए दे दिए और 25 लाख रुपए जिस दिन तेरा पर्चा भरा जाएगा उसके बाद में दे दिए। मैंने ऐसे जो कि तू शब्द जिलाध्यक्ष सतीश कुमार जी को कहा कि आपको मैं 25 लाख रुपए अब दे दूंगा, जिसे मैंने इतना कहा था। इतना ही जिलाध्यक्ष जी कहने लगे अरे यार तुम फोन पे डायरेक्ट इस तरह की बात करते हो। मैंने कहा और कैसे करूँ, मैंने कहा 25 रुपये कहूँ कि हाँ 25 रुपये कह के बात कर लो, ये भी मेरे पास सबूत है मेरे मोबाइल में मौजूद। उससे पहले जब माननीय पश्चिम प्रभारी शमसुद्दीन नायक ने मेरी घोषणा की थी, पूरे मंडल के लोग मंच पर मौजूद थे, प्रेमचंद गौतम, सतप्रकाश और नरेश गौतम मुख्य कोऑर्डिनेटर, सभी लोग मौजूद थे, जिलाध्यक्ष सतपाल कटारिया जी उस टाइम के जो जिलाध्यक्ष थे सभी लोग मौजूद थे और चथौल में कार्यक्रम रखा गया था। उससे पहले माननीय नरेश गौतम मुख्य कोऑर्डिनेटर और सतपाल कटारिया जिलाध्यक्ष जी के साथ में मैं गया और शमसुद्दीन नाइन जी को मैं जो कैश था मुझे आदेश किया था मैं वो दे के आया हूँ। मैं लगातार इसी तरह एक बार मैंने 4.5 लाख रुपए दिए, एक बार राइन जी ने मुझे 50,000 रुपये, मतलब वो कहीं नहीं थे लेकिन 50,000 रुपये भी मेरे से ले लिए चल ऐसे ही, मतलब जब मैं कोई ऐसे पैसे देने नहीं गया, जब घोषणा मेरी होनी थी, जब मुझे पश्चिम के प्रभारी जी मेरी घोषणा करने थे उससे 4 दिन पहला टाइम था, लेकिन उन्होंने वो मेरी डिले कर दी, कहने लगे 5 लाख रुपए में कोई ऐसे थोड़ा ही ना हो जाएगा, आपको पहले 15 लाख रुपये जमा करने पड़ेंगे। फिर मैंने 15 लाख रुपये जमा किए और 15 लाख जमा करने के बाद में फिर मेरी जो घोषणा एक महीना पहले होनी थी या 10 दिन या 15 दिन पहले होनी थी वो घोषणा मेरी
ये समझो कि 1 महीना या 15 दिन डिले होने के बाद में घोषणा हुई जब मैंने 15 लाख रुपए और दे दिए। उसके बाद में फिर दूसरा साल आया, दूसरे साल पे मेरे ऊपर फिर दबाव बनाया कि आपको 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे विधानसभा से, और अभी आप देते रहो हर साल तो आपको चुनाव में आसानी हो जाएगी। मैंने जब भी बहुत कहा, लेकिन मैंने खींचतानी करके कोई बात नहीं, लगभग 3-3.5 लाख रुपये विधानसभा अध्यक्ष सतपाल को लेकर अपने साथ में, कितना पैसा जा चुका है टोटल, मैंने 15-15 लाख रुपए 3 बार और 50,000 रुपए 1 बार और 4.5 लाख रुपए 1 बार। अब क्या हुआ पार्टी ने क्या किया जी? अब क्या हुआ जी? पार्टी ने क्या किया? पार्टी ने मुझे बिन बताए, मुझे बिना कोई कुछ कहे या मेरा बिना पैसे वापस किए दूसरे प्रत्याशी की घोषणा, मतलब मुझे कुछ लोगों ने बताया, फेसबुक पे देखा, मैंने सोशल पे देखा कि किसी प्रत्याशी को ला रहे हैं वो इस तरह के, तो ये चीज़ें सामने आई, तो मैं सुबह हताश हुआ और मैंने फिर फेसबुक पे अपने अकाउंट पे लिखा कि अगर 2 दिन में माननीय बहन जी से मेरी मुलाकात नहीं कराते तो मैं 2 दिन के बाद में लखनऊ जाकर 2 दिन के बाद में आत्मदाह करूँगा अगर इन्होंने माननीय बहन जी के सामने मुझे पेश नहीं किया या माननीय बहन जी के सामने मेरी पीड़ा नहीं सुनवाई। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट कोई जाके बहन जी से मिल लेगा, बहन जी से वो मिलेगा जिसे पश्चिम के प्रभारी चाहेंगे।